बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हबीबा हूँ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा फिर ये अलैन मॉल आए हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, पहले मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, सेकंड फर्स्ट तो मैंने एक्सपो 20 की वीडियो जो है मैंने वो डाली थी। आज मेरी सेकेंड वीडियो है ये अलैन मॉल की। तो पहले हमने एंट्रेंस दूसरे गेट से ली थी, आज हम दूसरे गेट से, ये दूसरी साइड से, ये एप्पल 20 वाला गेट है ये वाला। तो आज इंशाल्लाह हम इस गेट से एंट्रेंस लेते हैं। तो फिर आपको ज़रा थोड़ा दूसरी साइड से दिखाते हैं इसका एरिया। तो वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी नहीं होती, वीडियो छोटी छोटी बनाते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ये है जी सेकंड इसका गेट लैन मॉल का। ये हम गेट के करीब पहुंच गए हैं, बस यहाँ से एंट्रेंस है। तो यहाँ से एंटर होते हैं हम लोग। थोड़ा मास्क वगैरह ठीक कर लें। तो ये एंटर हो रहे हैं गेट से। ये यूएई का फ्लैग जो लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, ये वो है। सिक्योरिटी भी है इधर, ये जेंट्स शूज़। ये कंदूरे हैं, ये अतर वगैरह, परफ्यूम वगैरह इनके, लोकल लोग जो हैं वो ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, अल्कोहल विदाउट अल्कोहल यूज़ करते हैं, फ्रांसीसी नहीं यूज़ करते तो इसके बगैर होता है। ये इनके चप्पल्स हैं, जूते वगैरह। ये सेकंड है शूज़, ये बच्चों का है, दोनों का ही है, बच्चों का भी आई थिंक, एडल्ट जो है उनके भी ये चप्पल वगैरह हैं। ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी शॉप। फाउंटेन चल रहा है। कल हम वो दूसरी साइड से, इधर से हम लोग बाहर निकल गए थे, और आज मुझे थोड़ा काम है इस साइड पे, तो इस वजह से इधर आए हैं। ये वाली कॉफ़ी शॉप है, बहुत बड़ी है। ये डू जो वो जो डू जो सिम कार्ड्स वगैरह जो हैं, ये डू के हैं। और ये उधर से एतसलात है, उसके मिलते हैं। हम तो एतसलात यूज़ करते हैं। ये इधर साइड पे ये वाला एतसलात है, और ये बिल वगैरह पे करने के लिए मशीन लगी हुई है। और ये जो है जी पार्किंग एरिया है, ये ऊपर से आना और ये वापस जाना। ये दुबई कमर्शियल बैंक है। तो जी मुझे इधर ही काम था थोड़ा सा, तो चलें जी पहले थोड़ा काम कर लें अपना। तो यहाँ पे मुझे काम था, लेकिन काम तो हुआ नहीं, सैलरी नहीं आई अभी, वो मैंने चेक किया है। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे, तो मे बी कल परसों तक
एक दो दिन में सैलरी डिपॉजिट हो जाए उसके बाद। अच्छा तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे पर्सनली प्राइवेट मैसेजेस भी आते हैं, तो सारे सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए बिकॉज सारे विज़िट करना चाह रहे हैं ये इधर दुबई में। तो आज एक इंशाल्लाह वीडियो हम बनाते हैं, अभी बल्कि अभी इसी वीडियो के बाद ही, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह वीडियो एक बना के अपलोड करेंगे, जो वीज़ा प्राइसेस हैं, कितने तक का वीज़ा है, यूएई का वीज़ा कितने तक का मिल जाता है, 7 डेज़ का, 14 डेज़ का, और जो है क्या उसको कहते हैं, ये सारे यही पूछते हैं मुझसे कि 7 डेज़ का वीज़ा कितने का है, 14 डेज़ का वीज़ा कितने का मिल जाता है, और जो 1 मंथ का कितने का है, 6 डेज़ का। तो फिर वो इंशाल्लाह न्यू वीडियो एक हम बनाते हैं, वो बना के तो हम फिर अपलोड करते हैं। एक्चुअली मुझे ये थोड़ी सी उसकी डिटेल चाहिए, तो वो मैं डिटेल से आपको अभी हम इंशाल्लाह इन्फॉर्म करते हैं। ये हम लोग अभी खड़े हैं कैरीफोर के सामने, तो जो मिस्टर हैं जो, तो वो अंदर गई हैं, थोड़ा सा उनको लेना था कैश एंड कैरी, ये ग्रॉसरी करनी थी तो इस वजह से वो ग्रॉसरी करके, तो फिर बस हम इधर से निकलेंगे थोड़ा सा इसी साइड पे ये आ गई हैं। तो अभी ओ मेरी लगेज जेड़ा तेरा बिलोंगिंग, तो ये कैरफोर का इनसाइड एरिया है, ये मखबज बेकरी जो है, बेकरी वाला, नो डोंट वरी दिस वन, वो लोकल थी, कहती डोंट टेक माय पिक्चर माय वीडियो, ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नहीं लाइक करते तो हम क्यों बनाएंगे। एनीवेज ये है जी बन है, ये ब्रेड वगैरह है, तो ये पूरा बेकरी एरिया है ना, ये इधर अंदर मखबस स्पेशल बनाते हैं खुद, ये फूल जो है ये टोटली फ्रेश हैं, ये वाली टोटली वो अंदर बना रहे हैं, तो ये साथ साथ इन्होंने इधर वो सेल के लिए रखी हुई, ये वन डे लाइक एक दिन में दो दिन में एक्सपायर होने वाली हैं। अगर आपको बिल्कुल फ्रेश चाहिए तो वो सामने से आप उधर से ऑर्डर करें, ऑर्डर करके आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है जी अलैन मॉल है, अलैन मॉल के अंदर ये कैश एंड वो जो है, सॉरी क्या इसका है, जो कैरफोर है ये उसमें है, ये बेकरी जो है ये इस साइड पे है, और ये केक्स वगैरह ये भी बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल आज मॉर्निंग में इन्होंने बनाए हैं, तो ये भी एक दो दिन में ये हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, ये देखें जी, ये चिकन वगैरह जो जॉब्स करते हैं ना वो फिर टायर्ड हो जाते हैं जो लोग, तो वो फिर इधर से ज़्यादातर लोग, ये जो फिलिपिनो जो नेपाली लोग हैं वो ज़्यादातर इसी तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लोग घर में कम ही बनाते हैं, हमें आदत है अपने घर में फूड बना के खाने की, तो ये लोग फिर फास्ट जो है इनको जल्दी जल्दी में चाहिए, तो फिर ये इधर से ही रेडी होता है इनका, तो वो ले जाते हैं, ले के फिर यही खा लेते हैं। तो ये सारा इधर ग्रोसरी, ये दालें वगैरह चावल वगैरह सारा कुछ यही साइड पे है, ये सारा वो दूसरी साइड पे फ्रूट्स वगैरह हैं, उधर जाते हैं। ये आपको इधर जो हनी है वो दिखाएं पहले, ये देखें, ये सारे हनी हैं, डिफरेंट कंट्री के हैं, कोई मिस्र का, कोई इंडिया का है, और ये ज़्यादातर तो इधर है मेरे, ये ओमान का है लगा हुआ, ये सारे डिफरेंट कंट्री के हनी हैं लगे हुए ये सारे, और ये वो आर्ट्स नट्स आते हैं, ये नट्स हैं, ये सारे नट्स वगैरह हैं, ये जो हैं ये रोज़ हैं,
ये डिफरेंट, ये जो रोज़ आपको ये जो मिल रहे हैं ये सारी डेजर्ट में डालते हैं, जो डिज़र्ट में डालते हैं, ये कस्टर्ड वगैरह में कुछ इस तरह बनाते हैं स्वीट, उसको हलावा कहते हैं अरबिक में, तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं ज़्यादातर। ये डेट्स हैं, खजूरें हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हैं खजूरें, ये सारी साइड पे खजूर लगी हुई हैं। और ये नट्स वाला एरिया, ये भी और ये ब्रेड्स वगैरह जो पहले आपको मैंने दिखाई है, काफ़ी बड़ी इन्होंने बेकरी बनाई हुई है। और ये चीज़ है, चीज़ वगैरह जो है, बटर वगैरह आपको सब कुछ मिलता है। ये ब्रेकफास्ट में जो यूज़ होता है जिबन, इसको अरबिक में जिबना कहते हैं। ये चीज़ वगैरह है, ये सारा इधर ये चीज़ वाला एरिया है, जैसे आप लाइक करें ये उसी तरह बना के आपको दे देते हैं। ये सारे मिस्री जो टर्किश लोग हैं, मिस्री लोग हैं ये ज़्यादातर, और मगरबी लोग हैं वो यूज़ करते हैं, लोकल लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो मिस्री टर्किश लोग हैं ये वो वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हॉट डॉग्स हैं सारे, इसको निकानिक भी बोलते हैं, तो ये है। और ये वाला अचार है, अचार वो भी पीछे भी था, ये वाले अचार हैं, ये बहुत ज़्यादा इधर यूज़ किए जाते हैं। ये वो वाले निकानिक्स जो बड़े बड़े पड़े हैं ना हॉट डॉग्स हैं, ये वो हैं जी। तो ये एरिया आ गया वेजिटेबल्स का। ये सारा वेजिटेबल्स है पूरा, बहुत बहुत बड़ा है ये कैरफोर। ये लेमन पड़े हैं, स्वीट लेमन है, ये टर्किश लेमन है, ये टर्किश। जी तो फ्रेंड्स अभी हम निकले हैं, वो ग्रॉसरी करनी थी इधर कैरीफोर से, तो इस वजह से आए हुए थे हम लोग आज अलैन मॉल। तो अभी ग्रॉसरी कर ली है हमने, तो लेके अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, तो इस वजह से जल्दी थी थोड़ी सी, नहीं तो आपको दिखाते, हमारा प्लान बन रहा है कल फिर आने का अलैन मॉल, कल आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी तक के लिए मुझे दे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।